सभी को मेरा नमस्कार। आज 2 सितंबर को कुछ करनाल जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही सीरियस जो सूचना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि कल 1 सितंबर को हमारे ज़िले में कोरोना के 200 केसेस पॉजिटिव मिले हैं और साथ ही 5 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हुई है, कोरोना की वजह से डेथ हुई है। तो साथियों, ये जो संख्या है 200 केसेस की, बड़ी ही चिंताजनक फिगर है। अचानक से हमारे यहाँ पिछले 15 दिनों में करनाल जिले में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़े हैं और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से हमने पूरी तैयारियों का रिव्यू भी किया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शुरू में कोरोना से के लिए 150 बेड्स को हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। अब चूंकि वहां पे जितने पॉजिटिव केसेस एडमिट हैं और जितने सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको मिला के उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई है, तो एक तो प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अब जो कल्पना चावला का जो आईपीडी वार्ड है जिसमें लगभग 500 बेड की संख्या है, उसको पूरी तरीके से हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। यानी सिर्फ कोविड रिलेटेड पेशेंट्स ही वहां पर रखे जाएंगे, नॉन के कोविड जो पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा। तो इसके लिए कल्पना चावला का जितना भी हमारा मैन पावर है, रिसोर्स है, वो भी हम जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट देखता है उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे और सारे के सारे पेशेंट्स भी जो कल्पना चावला के जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो आगे से सिविल हॉस्पिटल में देखे जाएंगे। कल्पना चावला जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो पूर्णतया अब सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही ट्रीट करेगा और आने वाले 2-3 दिन में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। हालांकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ओपीडी पहले की भांति जारी रहेगी। जो सिर्फ वार्ड है, आईपीडी है, उसमें जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो अब सारे के सारे सिविल हॉस्पिटल में उनका ध्यान रखा जाएगा। कल्पना चावला डेडिकेटेडली हमारा कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास वहाँ 500 बेड जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जबकि अभी सिर्फ 150 के करीब बेड ही ऑक्यूपाइड है, यानी 30% बेड ही सिर्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस चीज़ को लेकर के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त रूप में बेड्स की, जिनमें सब में और इन सभी 500 बेड्स में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। तो जो सारे के सारे हमारे पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास अवेलेबल है। इसी प्रकार से हमारे पास कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं और 75 वेंटिलेटर्स में से मुश्किल से 6 या 7 वेंटिलेटर्स इस समय इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उस फ्रंट पे भी हमें बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर्स भी हैं और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 30% ही ऑक्सीजन बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे हमने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आइडेंटिफाई किया है और हम जो है अब आने वाले समय में पेशेंट्स को वहाँ पे भी वॉलंटरी तौर पे जो पेशेंट्स वहाँ पे अपना इलाज कराना चाहें तो हम उनको वहाँ पे भी रखने की परमिशन दे देंगे। साथियों, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ कल के जो फिगर्स हैं जिनमें 5 डेथ्स का फिगर है, जो 5 मृत्यु हुई हैं, उनके बारे में जब हमने उनको एनालिसिस किया और उनके बारे में जब हमने जांच पड़ताल की, तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा तथ्य हमारे सामने आया और वो ये था कि ये सारे 5 पेशेंट्स ऐसे थे जो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे थे, काफ़ी सीरियस स्टेज पे उनको सिम्टम्स थे और उसके बाद जो है उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आया गया। इन सब लोगों को काफ़ी समय से जो है बुखार वगैरह और कोरोना के बाकी लक्षण आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ना तो केवल अपना ना तो कहीं अपना जांच करवाई, लोकल RMPs से या बाकी लोकल वैद्य से या उनसे अपनी दवाइयां लेते रहे, जो अनऑथराइज्ड मेडिकल पर्सनल हैं, जो अधिकृत नहीं है, उन लोगों से भी अपनी दवाइयां लेते रहे और इनको लगा कि ये ठीक हो जाएंगे। अचानक से जब इनका तबीयत ज़्यादा खराब हुई, ज़्यादा इनमें लक्षण आए और इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो गई, तब जाकर के इन्होंने इनके परिजनों ने इनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 1-2 पेशेंट्स तो ऐसे थे जिनके ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल इतना कम था कि वो उनको बचाना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल था। तो मेरी आप सब लोगों से यही आग्रह रहेगा कि जितने भी लोग हैं जिनमें भी कोरोना के लक्षण आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो बुखार हो, गला खराब होना हो, जुकाम हो, इस तरह के जो भी, या शरीर बॉडी एक हो, शरीर में दर्द हो, तो इस तरह के जो भी लक्षण आते हैं तो तुरंत अपना नज़दीकी केंद्र पर जाकर के कोरोना का जांच की जांच करवाएं। किसी भी लोकल अनाधिकृत मेडिकल पर्सन के RMP के भुलाव में ना रहें कि हम उनसे दवाइयां ले लेंगे और उनसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से जो है स्थिति बड़ी बिगड़ सकती है। अगर इन 5 केसेस ये हमारे पास कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले आए होते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी।
तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिसके भी सिम्टम्स आते हैं, कोरोना के लक्षण आते हैं, तो वो तुरंत अपनी सबसे पहला जो उसको करना चाहिए वो ये है कि वो अपनी जांच कराएं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जाएं। उसके अलावा हमने पीएचसी सीएचसी पे भी जांच करने की व्यवस्था दे रखी है, तो वहां भी वो अपनी कोरोना की जांच करा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो बात सामने आती है कि काफ़ी लोग इसमें डरते हैं कि अगर हमारा कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें कहीं बंद कर दिया जाएगा या हमें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे पॉजिटिव केसेस आते हैं कोरोना के, 80-90% केसेस को हम उनके घर की स्थिति देखते हुए होम आइसोलेशन के लिए ही भेजते हैं। तो उनको 10 दिन के लिए घर में ही आइसोलेट करके रखा जाता है। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं और वो लक्षण सिम्टम्स अगर माइल्ड हैं या मॉडरेट भी हैं, माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं अगर आप, तो हम आपको होम आइसोलेशन ही सजेस्ट करेंगे, आपको घर में ही रखा जाएगा। किसी भी तरीके से इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इस बात से डरें कि समाज में कोई फोबिया है या समाज में कोई स्टिग्मा लग जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। आजकल चूंकि कोरोना इतना कॉमन है कि काफी ज्यादा हमारे समाज में, आसपास हमारे पड़ोस में, हर जगह फैल चुका है, तो बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरह का स्टिग्मेटाइज फील करने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण वायरल बीमारी है जो लोगों को होती भी है और ज्यादातर लोग इसमें ठीक भी हो गए हैं, तो बिल्कुल भी शर्म महसूस करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास भी किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो वो तुरंत सबसे पहले अपनी कोरोना की जांच करवाएं। लोकल जो अनऑथराइज्ड मेडिकल पर्सनल हैं, आरएमपीज हैं, उनके भुलाव में बिल्कुल ना रहें। कल जो 5 डेथ्स हुई हैं हमारे नॉलेज में है कि इनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने लोकल आरएमपीज से अपनी दवाइयां ले ली थी और उन्होंने जांच भी नहीं कराई। हम उन आरएमपीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा और हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि, और मैं एक स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ, वैसे जो लोकल वैद्य हैं या अनाधिकृत मेडिकल पर्सनल हैं, आरएमपीज हैं, अगर कोई भी कोरोना से लक्षण वाला पेशेंट वो ट्रीट करते हैं और उसका टेस्ट रिकमेंड नहीं करते, बिना टेस्ट कराए ट्रीट करते हैं, तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और हम ये मान लेंगे कि जो है उनकी स्वास्थ्य को खराब करने में आपने एक रोल अदा किया है, तो अकॉर्डिंगली आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लोगों से एक और मेरी अपील रहेगी कि चूंकि जैसे नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो मास्क का पहनना बहुत जरूरी है। काफी हमने शहर में देखा है कि बिना मास्क के लोग घूमते हैं। हमने अपने सरकारी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी ये हिदायतें दी हैं कि वो अब चालानिंग पे और ज़्यादा सख्ती करें, बिना मास्क पहनने के और ज़्यादा सख्ती से चालान किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करने के भी हम सख्त चालान करेंगे। तो आप सबसे आग्रह रहेगा कि मास्क के पहनने पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। अंत में मैं पुनः आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरह से सजग है। हमने तैयारियों की पूरी व्याख्या हमने कर ली है, पूरी मीटिंग कर ली है, पूरी हमने उसकी तैयारियां जांच ली हैं। किसी भी तरह की कमी हमारे ज़िले में नहीं है। प्रशासन हमारा, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल पर्सनल, सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आने वाला ये जो सितंबर का महीना है और विशेष रूप से 15-20 दिन, ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ केसेस हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। प्रशासन लेकिन कितनी भी संख्या में केसेज आए, सबके लिए हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन आपसे हमें बहुत सहयोग की आवश्यकता रहेगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण आते हैं, आपको खुद को आएं, आपके परिवारजनों को आएं, पड़ोस में किसी को आएं, तो बिना देरी करें तुरंत उनका कोरोना का जांच जरूर कराएं ताकि उनकी ठीक तरीके से ट्रीटमेंट आगे हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।